हाय वीवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का पर। आज हम बनाने वाले हैं जायकेदार छोले चिकन। तो चलिए शुरू करते हैं। छोले चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 500 ग्राम चिकन, 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट। इसी के साथ हमने यहाँ पर लिए हैं 200 ग्राम काबुली चने जिनको हमने बॉईल कर लिया है, 2 टेबलस्पून दही, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून सिंधा नमक। हमने एक पैन में 1/4 कप तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पर प्याज को ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे जीरा और नमक, इन्हें मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें अच्छे से फ्राई होने देंगे। मीडियम फ्लेम पर चिकन को फ्राई होते हुए 5 से 7 मिनट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे सारे सूखे मसाले। इसमें 1/2 कप पानी ऐड करके मिक्स कर लेंगे। इन्हें ढक कर लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने देंगे। लो फ्लेम पर मसालों को पकते हुए 5 मिनट हो चुकी है। इन्हें एक बार चेक कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे दही और दही को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी के साथ हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए काबुली चने। और 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे ढक कर कुछ देर तक पकने देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे चने मसालों के साथ अच्छे से पक चुके हैं। इन्हें एक बार चेक कर लेंगे। ग्रेवी के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी और इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो बनकर तैयार है हमारा छोले चिकन। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भुनी हुई कस्तूरी मेथी। गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे डिश आउट कर लेंगे।
तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी जायकेदार छोले चिकन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।